वेल यू नो बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स अभी तक का सबसे एडवांस ओमनीट्रिक्स है, बट क्या ये ओमनीट्रिक्स किसी बायोमेट्रिक्स यूजर को डिफीट करने में अपने यूजर की हेल्प कर सकता है? अगर आप चाहें तो इस बैटल को ओमनीवर्स बेन 10 वर्सेस बायो बेन 10,000 को लेकर अज्यूम कर सकते हैं। तो चलो यार ओमनीट्रिक्स एंड बायोमेट्रिक्स के इस बैटल को एक छोटे से इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं लेवल 20 के एक डीएनए अल्टरर या फ्यूजर या कहें कि एक गॉन्टलेट बायोमेट्रिक्स से। बायोमेट्रिक्स एक ओमनीट्रिक्स है जिसे बेन 10,000 ही फ्यूचर में क्रिएट करता है, यानी इसका क्रिएटर और यूजर दोनों ही बेन 10,000 है। बायोमेट्रिक्स टेक्स द फॉर्म ऑफ टू डार्क ग्रीन गॉन्टलेट्स विद ब्लैक एंड व्हाइट रेक्टेंगल्स जो कि बोरो करते हैं सेम हार ग्लास लाइक ओमनीट्रिक्स। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं बायो बेन 10,000 के बारे में। बेंटन भैया की फ्यूचर वर्जन यानी कि बायो बेन 10,000 जो कि यूजर है बायोमेट्रिक्स के। बायोमेट्रिक्स जो कि टू ओमनीट्रिक्स ही हैं जो कि एक दूसरे से लिंक हैं और यूजर को अलाउ करते हैं फ्यूजन एलियंस यानी दोनों ओमनीट्रिक्स पर एक साथ स्लैम करने से ये फ्यूजन एलियन को परफॉर्म करना अलाउ करते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि अगर एक ओमनीट्रिक्स का यूज किया जाए तो वो नॉर्मल एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी बेन 10,000 नॉर्मल एलियंस के साथ फ्यूजन एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो कि एक अच्छा एडवांटेज है। बायोमेट्रिक्स में वॉइस कंट्रोल भी है जो कि एक इसका अच्छा फीचर है और भाई बेन 10,000 काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है स्पेशली बायो बेन 10,000। तो ये था बायो बेन 10,000 और बायोमेट्रिक्स के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बेंटन भैया के बारे में बताने की जरूरत है क्योंकि आप इस पर सर्च भी कर सकते हैं। नाउ बात करेंगे लेवल 20 के टेक या एक्सटिंक्ट स्पीस रिवाइवर या डीएनए अल्ट्रा ओमनीवर्स सीरीज वाले ओमनीट्रिक्स की। तो ये भी काफी एडवांस ओमनीट्रिक्स है, एक्चुअली ये भी नहीं बल्कि ये एक फिनिश्ड वर्जन ऑफ ओमनीट्रिक्स है, तो एडवांस तो होगा ही, बाकी सभी प्रोटोटाइप थे ये ओरिजिनल है। अभी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो बात का मुझे पता नहीं। अब अपने ओमनीवर्स सीरीज वाले ओमनीट्रिक्स के अपीयरेंस को तो आप अच्छी तरह से जानती होंगी, बाकी बात करें अगर तो एजमत ने अप्रोक्सीमेटली 6 लिए थे इस ओमनीट्रिक्स को कंप्लीट करने में एंड एजमत ने इस पर तभी से वर्क स्टार्ट कर दिया था जब से बेन 10 को प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स मिला था एंड देन दियर वर 10 एपिसोड में। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि अपने बेन 10 भैया को ओमनीवर्स सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स कब और कैसे मिला था एंड इन फ्यूचर बेन ने या कहें बेन 10,000 ने ये ओमनीट्रिक्स अपने सन कैन को दे दिया था जो कि उससे वापस ले लिया क्योंकि कैन कुछ ऐसे मिशंस पर गया था जो कि डेंजरस या उसे जाना अलाउ नहीं था। एंड वैसे भी अपने ओमनीवर्स सीरीज वाले ओमनीट्रिक्स को हमने फ्यूचर एपिसोड्स में देखा है। बात करें इस ओमनीट्रिक्स की मोड्स या फीचर्स की तो इस ओमनीट्रिक्स में एक्टिव मोड सेलेक्शन मोड जिसमें यूजर फेस प्लेट पर क्लिक करके या उसे टच करके एलियंस को सेलेक्ट कर सकता है और एक्टिवेशन मोड जिससे यूजर ओमनीट्रिक्स के एलियंस को चूज करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी यूजर किस एलियन को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चूज करता है उसके बाद वो एक्टिवेशन मोड की हेल्प से उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओमनीट्रिक्स में डीएनए स्कैनर के साथ वॉइस कमांड मोड भी है जो कि काफी अच्छा एंड एडवांस फीचर है जो कि यूजर को काफी एडवांटेज और उसका जो फाइटल स्टाइल है वो उसे इजी कर देता है। इसमें क्विक चेंज फीचर भी है जो कि यूजर को काफी फास्टली एलियन चेंज करने में हेल्प करता है जब वो किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो तब भी, और ये फीचर यूजर को इसके ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर देता है जब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका वर्क डन हो गया हो, इससे ज्यादा टाइम आउट ना हो जो कि काफी ज्यादा अच्छा एंड एडवांस फीचर भी है। मास्टर कंट्रोल के साथ रैंडमाइजर फंक्शन है जो कि रैंडम टाइम्स पर रैंडम एलियंस को सेलेक्ट करके यूजर को उसमें ट्रांसफॉर्म करता रहता है। ओमनीट्रिक्स एलियन फॉर्म्स में एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकता है जिससे कि वो एलियंस फॉर्म और भी ज्यादा स्टेबल एंड सेफर बने रहे। ओमनीवर्स सीरीज वाला एडवांस ओमनीट्रिक्स किसी भी कोडून स्ट्रीम पर रिलाय नहीं करता है एलियन ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन के लिए क्योंकि इसके अंदर ही डीएनए स्टोर होते हैं कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि बाकी प्रोटोटाइप्स ओमनीट्रिक्स में आपने देखा होगा कि वो डिपेंड करते थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोडून स्ट्रीम पर, लेकिन ये ओमनीट्रिक्स नहीं करता है। ओमनीट्रिक्स ग्रांट कर सकता है यूजर या उसके एलियन फॉर्म को किसी अनोदर लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने के लिए। स्लाइड ऑफ फंक्शन, रिचार्ज मोड, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड जैसे मोड्स भी हैं। इसके अलावा वॉइस मेल कॉल मोड एंड यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसे फीचर्स भी हैं। ओमनीट्रिक्स में जो सबसे पहले डीएनए सैंपल आया था वो एक गैल्वन का ही था, लेकिन ये गैल्वन एजमत
और एल्बिडो दोनों में से ही नहीं था। इस ओमनीट्रिक्स में हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हैं जिनके बारे में बेन अभी तक जानता भी नहीं है, ना ही मैं जानता हूँ। वैसे तो ओमनीवर्स सीरीज के ओमनीट्रिक्स में और भी ज्यादा मोड्स, फीचर्स, मैलफंक्शंस एंड फैक्ट्स हैं, बट वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो फाइनली बात करते हैं कि बायोमेट्रिक्स वर्सेस ओमनीवर्स सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स यानी कि बेंटन वर्सेस बायो बेंटन 1000 में विनर कौन होगा। देखो यार, नो डाउट ओमनीवर्स सीरीज वाला ओमनीट्रिक्स काफी एडवांस ओमनीट्रिक्स है, बट बायोबेन के पास फ्यूजन एलियंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला बायोमेट्रिक्स है, इसलिए बायोबेन कोई ऐसा एलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता है जो कि बेन के सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट उसे एडवांटेज दे। और जहां बेन के पास सिंगल ओमनीट्रिक्स है वहीं बेंटन 1000 के पास डबल, एंड नो डाउट बायोमेट्रिक्स के पास एज कम्पेयर टू बेन एक्सपीरियंस ज्यादा है और उसके पास काफी अच्छी इंटेलिजेंसी भी है। बायोमेट्रिक्स ऐसे ही थोड़ी ना क्रिएट कर लिया। तो आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।